नमस्कार दोस्तों, ट्रेवल मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त परवेज। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। पूरे देश में देवी की आराधना का पर्व नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज इस मौके पर हम आपको मुंबई के एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध मंदिर मुंबा देवी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए आपको मुंबा देवी के दर्शन कराते हैं। मुंबा देवी मुंबई का एक बहुत ही अनोखा मंदिर है, जिसमें मुंबई के शहरवासियों की गहरी आस्था है। कहा जाता है कि मुंबई का नाम भी मुंबा देवी के नाम पर ही रखा गया है। मुंबई का यह प्रसिद्ध मंदिर, जो सबसे पहले साल 1737 में मेंजिस नाम की एक जगह पर बना था, जहां आज विक्टोरिया टर्मिनस बिल्डिंग है, लेकिन फिर अंग्रेजों ने इसे मरीन लाइंस पूर्व क्षेत्र में बाजार के बीचों बीच स्थापित कर दिया। उस वक्त मंदिर के तीनों ओर बड़े बड़े तालाब थे, जिन्हें पाट कर अब मैदान बना दिया गया है। इस मंदिर की भूमि पांडु सेठ ने दान की थी। शुरू में इस मंदिर की देखरेख भी उन्हीं का परिवार करता था। बाद के वर्षों में मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुंबा देवी मंदिर न्यास की स्थापना की गई। अब मंदिर न्यास ही इसकी देखरेख करता है। मुंबा देवी का मंदिर अत्यंत आकर्षक है। इसमें स्थापित माता की मूर्ति भी काफी भव्य है। यहाँ मुंबा देवी की नारंगी चेहरे वाली रजत मुकुट से सुशोभित मूर्ति स्थापित है। न्यास ने यहाँ अन्नपूर्णा और माता जगदम्बा की मूर्तियां भी मुंबा देवी की अगल बगल में स्थापित करवाई थी। मुंबा देवी मंदिर में हर दिन 6 बार आरती की जाती है। वैसे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ हर रोज होती है, पर मंगलवार को यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि ये मंदिर मछुआरों द्वारा स्थापित किया गया था। उनका मानना था कि मुंबा देवी समुद्र से उनकी रक्षा करती है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक मुंबा देवी को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, लिहाजा मुंबई को लक्ष्मी का घर भी कहा जाता है। मान्यता के मुताबिक देवी लक्ष्मी समुद्र की बेटी है। यही वजह है कि समुद्र के किनारे बसे शहरों में संपत्ति, धन, ऐश्वर्य और संपदा हमेशा से बनी रही है। धन को माया भी कहा गया है। यही वजह है कि मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। मुंबई भारत का सबसे रईस शहर है। यहाँ भारत के सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग रहते हैं, जबकि यह दुनिया का 7वां ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा रईस लोग रहते हैं। मुंबा देवी मंदिर के दर्शन के बारे में बात किया जाए तो यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सोमवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 6:30 से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान आप कभी भी मुंबा देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। मुंबा देवी मंदिर में प्रवेश और देवी दर्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। यहाँ आप बिना किसी शुल्क के मंदिर में घूम सकते हैं और देवी मुंबा के दर्शन कर सकते हैं। मुंबा देवी मंदिर घूमने जाने का सबसे अच्छा समय के बारे में बात की जाए तो आपको बताना चाहूंगा कि आप साल के किसी भी समय में मुंबा देवी मंदिर घूमने जा सकते हैं, लेकिन आप मुंबा देवी मंदिर के साथ साथ मुंबई के अन्य पर्यटन स्थलों की भी यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए सर्दियों का समय बेस्ट होता है, क्योंकि इस दौरान मुंबई का मौसम काफी सुखद होता है, जो यहाँ घूमने के लिए परफेक्ट माना जाता है। मुंबा देवी मंदिर की यात्रा के लिए यदि आपने फ्लाइट का सिलेक्शन किया है तो हम आपको बता दें कि मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसके लिए भारत के लगभग सभी एयरपोर्ट से फ्लाइट उपलब्ध है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबा देवी मंदिर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इसलिए फ्लाइट से ट्रेवल करके एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप टैक्सी, ऑटो या स्थानीय वाहनों की मदद से आसानी से मुंबा देवी मंदिर जा सकते हैं। मुंबा देवी मंदिर दक्षिणी मुंबई के भुलेश्वर इलाके में स्थित है। जो लोग मुंबई में लोकल ट्रेन के द्वारा मुंबा देवी मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मस्जिद रेलवे स्टेशन है। मस्जिद स्टेशन से मुंबा देवी की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करके मुंबा देवी मंदिर जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदिर के लिए सबसे नजदीकी मुख्य रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यह मंदिर रेलवे स्टेशन से सिर्फ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप पैदल या टैक्सी लेकर आसानी से मुंबा देवी मंदिर पहुंच सकते हैं।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ट्रेवल मंत्रा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।